हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल मॉर्निंग में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, तो ये वीडियो वही वाला है जिसके अंदर आप लोगों को बताने वाले हैं सीजीएल 2023 के अंदर कितनी वैकेंसीज यहां पर रिपोर्ट करी गई हैं और डेट है आज की 10 मार्च 2023। 10 मार्च तक काफ़ी सारी वैकेंसीज यहाँ पर आई हैं। पूरा का पूरा पीडीएफ आपके सामने मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। सारी चीज़ें आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगी और कहाँ कहाँ पर कैटेगरी वाइज सारी की सारी वैकेंसीज आपके सामने हैं। तो 2022 अगर खराब हुआ है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं, और सभी आरटीआई रिप्लाईज में आपको मैं दिखाने वाला हूँ लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये है वैकेंसीज आपके लिए रिपोर्ट की गई हैं सीजीएल 2023 के लिए, और यहाँ पर ये आपको ये दिए गए हैं नेम ऑफ पोस्ट, ये सारे के सारे पोस्ट के नाम दिए गए हैं। उसके बाद आपको जोन दिए गए हैं, फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी सारी की सारी दी गई हैं और ये आपको टोटल दिया गया है। जैसा कि दिल्ली जोन के अंदर आपको बताया कि CSSESO के अंदर आपके UR के अंदर 389 वैकेंसी हैं, ये है, और टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 982 वैकेंसी हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर कोलकाता के अंदर आपकी 71 वैकेंसीज हैं। अभी आपको विजिबल नहीं होगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप इजीली, और सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही हैं। बाकी और यहाँ पर ये इतने वाटरमार्क्स क्यों दिए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉपी कर लेते हैं और क्रेडिट नहीं देते हैं। काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके बारे में आपको कभी बता दूंगा, क्रेडिट नहीं देते हैं, ये सारी की सारी मेरी कॉपी कर लेते हैं। और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ को लेकर। ये बड़ी मेहनत लगती है सारी चीज़ों को करने में। और यहाँ पर ये सभी के सभी आपको जो है जोन दिए गए हैं उसकी यहाँ पर वैकेंसी दी गई। अगर हम लोग सिर्फ सबसे नहीं चाहते हैं, यहाँ पर टोटल की बात करते हैं कितनी टोटल वैकेंसी हैं, तो आपके सामने हैं यहाँ पर ये टोटल वैकेंसीज जिसके अंदर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं UR के अंदर, अगर सभी यहाँ पर जितने भी जोन दिए गए हैं तो 783 वैकेंसीज हैं। ST की आपकी 120 वैकेंसी हैं, SC की आपकी 263 वैकेंसी हैं, OBC की आपकी यहाँ पर 488 वैकेंसी हैं, EWS की यहाँ पर 144 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी अभी तक जो रिपोर्ट करी गई है 1798, ये आपको यूट्यूब पर सबसे पहले आपको बताए जा रहे हैं। 1798 टोटल वैकेंसी कहीं पर भी आपको नहीं मिली हैं, मिली होंगी किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब इसकी भी कॉपीज बनने लगी, जैसे कि मैंने आपको लगभग 8-10 दिन पहले एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था, उसकी इतनी सारी कॉपी वीडियोज बनी है लेकिन क्रेडिट किसी ने भी नहीं दिया है। इस चीज़ का बड़ा दुख होता है। हालांकि मैं कोई भी एक्शन नहीं लेता हूँ, क्योंकि सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। बट क्रेडिट आप लोग दिया करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, उस चीज़ को कॉपी करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाटरमार्क लगाया। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दी गई है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको और भी RTI के रिप्लाई वगैरह ऐसे मिलते रहते हैं, सारी अपडेट वीडियो से पहले आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर पासवर्ड भी लगाया हुआ है, पासवर्ड आपको अभी बता दूंगा, वीडियो को लास्ट में बिल्कुल बताने वाला हूँ पासवर्ड। मेरी मेल आईडी ये है जिसके अंदर आप लोग कोई भी अगर आपको RTI का रिप्लाई मिलता है तो आप लोग यहाँ पर मेल कर सकते हैं। अगर आप लोग पूछ रहे हैं कि भैया आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें, तो मेल आईडी मेरी ये वाली है। बाकी टेलीग्राम पर तो जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर मेरा यूजर नेम है abhishek.pandey18। आप लोग अगर लगाएंगे तो आपको वहाँ पर इंस्टाग्राम पर मैं मिल जाऊँगा, यहाँ पर आपको साइड में दिख भी रहा होगा। एक आर्टिकल ये भी आया है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, इस आर्टिकल को मैं शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर आप लोग देख लेना। यहाँ पर देखिए, ये है कुछ अपडेट 2023 के बारे में। अब देखो 2022 के अंदर वैकेंसीज कितनी थी, 5 वैकेंसी थी अनरिजर्व की, और यहाँ पर 144 हो गई, कितना ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ पर 0 वैकेंसी थी, 76 वैकेंसी हो गई, 0 वैकेंसी थी, 42 वैकेंसी हो गई, और 0 वैकेंसी थी, 21 वैकेंसी हो गई, 1 वैकेंसी थी और यहाँ पर 31 हो गई। यानी कि 6 वैकेंसी थी टोटल किसमें, 2022 के अंदर, और ये वैकेंसी थी आपके लिए वैकेंसीज ऑफ इंस्पेक्टर, है ना, और ये रिपोर्ट करी गई है आप लोगों के लिए 2023 के लिए। तो 314 वैकेंसी होंगी, कितना गुना हो गया आप लोग खुद देख सकते हैं। तो 2023 के अंदर भी वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी सही सलामत आने वाली है। इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी टेंशन में मत रहो कि वैकेंसी नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते रहते हैं कि 15,000 16,000, इतनी नहीं आएंगी भाई, इससे ऊपर ही वैकेंसी आने वाली है, 25+। और अगर सही सलामत सारी चीज़ें चलती रही तो 30 के आसपास जो है आपकी वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। तो 2022 और 2023 के अंदर आपको नंबर ऑफ वैकेंसी बिल्कुल भरमार मिलने वाली है। और सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आप लोगों को, 15,000 जल्दी से करवा दीजिए। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, इसको अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी अपडेट सबसे पहले दी जाती है। आप लोगों को बहुत सारे आर्टिकल रिप्लाई मैं दिखाता रहता हूँ, जैसे आप ये देख सकते हैं दिल्ली जोन का बताया गया है आपको, जो कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इंस्पेक्टर के लिए तो 1257 जो वैकेंसीज है यहाँ पर टोटल है, और बाकी जो स्ट्रेंथ है वो है यहाँ पर 2235 की। और सीजीएल 2022 के अंदर जो वैकेंसीज थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 थी UR की, 1 थी EWS की, OBC की यहाँ पर 1 थी, SC की 1 थी, और टोटल वैकेंसी जो है 4 थी। लेकिन 2023 के अंदर वैकेंसी देखिए आप, 4 वैकेंसी वहाँ पर थी, 2023 के अंदर आप देखिए 49 वैकेंसी हैं। तो वैकेंसीज मैंने आप लोगों को 2-3 प्रूफ दे चुका हूँ, और इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको अगर आप लोग देखेंगे तो उसके अंदर आपको सभी जो प्रूफ हैं, जितने भी मैंने वैकेंसी आपको दिखाई है, कितने जोन की दिखाई है, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, उन सभी के जो है आपको प्रूफ भी उसके अंदर दिए गए हैं, RTI के सारी रिप्लाई दिए गए हैं। और ओवरऑल वैकेंसीज के लिए RTI का रिप्लाई भी लगाई गई है, उसका रिप्लाई जैसे ही आएगा आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा, साथ में वीडियो तो मिल ही जाएगा। आप लोग देख सकते हैं मैंने आप लोगों को 27 जोन की वैकेंसीज यहाँ पर दिखा दी हैं, और आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर लेना जिसके अंदर आप लोग सारी चीज़ें देख
सकते हैं आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। बाकी उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरी कॉपी कर रहे हैं वीडियोस की, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन क्रेडिट दिया करिए। अगर क्रेडिट नहीं देंगे तो इस बार से मैं भी एक्शन ले सकता हूँ। फिलहाल वीडियो में बताइए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।